श्याम मंदिर ट्रस्ट एवं श्याम मित्र मंडल हांसी, जो ये कर्मवीर हम इन्हें कहें कि श्याम भगत कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। सामने राहुल जैन और प्रधान जी खड़े हैं, जगदीश मित्तल जी और उनके सभी यानी कि भक्तगण खड़े हैं। इन कर्मवीरों को भोजन व्यवस्था के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो हम उनका हमारे चैनल की ओर से अभिनंदन करते हैं। ऐसी संकट की घड़ी में, एक ऐसी वैश्विक आपदा आई है जो पूरे विश्व के अंदर आपदा आई है, ऐसे में हम सब की ड्यूटी भी बनती है। और ऐसे ये भक्त जो हैं बाबा से अरदास भी लगाते हैं और अरुण से आइए जानते हैं जगदीश मित्तल जी से कि भी ये कितने दिन से आपने ये कर्मवीरों को खाने का भोजन व्यवस्था का लंगर का जय श्री श्याम। जब से मोदी जी ने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा तब से यही प्रेरणा मिली कि सभी जने इस आपदा से मिलजुल करके लड़ें। और उसी कड़ी में ऐसा निर्णय लिया गया कि मंदिर ट्रस्ट ने और श्याम मित्र मंडल ने कि जितने भी हमारे पुलिस वाले भाई हैं वो जो ड्यूटियाँ दे रहे हैं उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्याम मित्र मंडल की तरफ से हो। और साथ में जितने मैं एक बड़ी माइथोलॉजिकल बात पूछ रहा हूँ आपसे कि भी एक ये वैश्विक आपदा आई है, इसमें आप क्या कह रहे हैं कि हारे का सहारा हमारा प्यारा श्याम कुछ उसके आप भक्त हैं, अनन्य भक्तों में से, अटूट भक्तों में से हैं, तो कुछ हमारे हिसाब से तो ये आपदा केवल हफ्ते 10 दिन की है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। बहुत जल्दी मतलब जो है ना सारा सही हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। ये देखिए यहाँ दो मिनट रुकिएगा, ये लेके जा रहे हैं ये राहुल जैन जी। ये आप कितने यानी कि नाकों पे बांट के जाते हैं? हम हांसी शहर के सभी नाकों पर ये खाना वितरित कर रहे हैं, जितने भी हांसी शहर के चारों तरफ नाके। श्याम मित्र मंडल के अनन्य भक्तों में से राहुल जैन है। ये देखिए इनका इनका स्टॉक है, क्या 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 आज का भोजन में क्या क्या है? आप आज के में कढ़ी है सर, चावल है और लड्डू है मीठे में और संतरे हैं, रोटी चपाती है। चपाती है जी सर। तो ये जब तक यानी कि लॉकडाउन चलेगा जब तक रहेंगे क्या? जी सर, जब तक लॉकडाउन है जब तक ये खाना दो टाइम चलेगा जी सर। दो टाइम? हाँ जी। बहुत हम तो सैल्यूट करते हैं आप जैसे भक्तों को, आप कर्मवीरों को, और स्वयं आप कर्मवीर हैं ऐसी संकट की घड़ी में श्याम भक्त यानी निकल कर आए हैं। धन्यवाद साहब।